वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे स्लम टेस्ट एक्चुअली करते कैसे हैं अपने साइट पर। तो ये एक्चुअली साइट का एक वीडियो है, तो यहाँ से जैसे कि मैंने ये जो है इन्होंने थोड़ा सा जो है इस टाइप से अपन जो है थोड़ा सा मटेरियल को कॉन्क्रीट के मटेरियल को जो है अपन पहले से जब भी कोई सा टीएम साइट पर जाता रहता है तो लैब के अंदर इसको टेस्ट करने के लिए पहले इस टाइप से जो है थोड़ा सा मटेरियल को जो है निकाला जाता है। अभी स्लम टेस्ट करके बताएंगे। यहाँ पे स्लम टेस्ट जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक अपना जो एक मोल्ड होता है, मोल्ड में जो आपका देख सकते हैं मोल्ड एक कॉनिकल मोल्ड है, स्लम कोन बोलते हैं इसको। तो ये जो कोन रहता है, कोन का जो डाया रहता है वो अपर डाया जो है, ऊपर वाला डाया जो है इसका 200 mm का रहता है, सॉरी 100 mm का ऊपर वाला डाया रहता है और नीचे वाला डायमीटर जो रहता है वो रहता है 200 mm का, और इसकी हाइट रहती है 300 mm की। तो इसको जो है चार लेयर्स में एक्चुअली कंक्रीट को भरा जाता है, 75 mm की चार लेयर्स में इसको जो है पहले फिल किया जाता है। ऐसे आप देख सकते हैं साइट पर ऐसे फिल कर लिया है इन्होंने, और 25 बार जो है इसको टैम किया जाता है टैंपिंग रोड से। हर बार 25 बार टैंपिंग रोड से टैम करके चार अलग अलग लेयर्स में 75 mm की इसको जो है 300 mm की हाइट तक भरा जाता है। अब देखते हैं इसके बाद तीन से चार सेकंड रुकने के बाद जो है इसको अपन जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको भी रिमूव किया जाएगा। तो जो पाइल कॉन्क्रीटिंग होती है, कॉन्क्रीटिंग टाइम पाइल के लिए चल रहा था यहाँ पर, तो पाइल के लिए कितना होना चाहिए, 150 से 200 mm के बीच में जो है अपना स्लम्प होना चाहिए। तो इसकी वर्केबिलिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है हमको यहाँ पर, और देख लेते हैं अब यहाँ पर जो है टैंपिंग रॉड दिख रही होगी आपको, इससे फिर जो है इसका इस प्रकार से जो है स्लम्प को पूरा चेक किया जाता है कि कितना एमएम उसकी वैल्यू आई है। तो जैसे कि यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, इन्होंने 190 mm बताया है यहाँ, इन्होंने जब चेक किया इसको तो जो है इसकी वैल्यू कुछ इस टाइप से आई है इसकी। तो जो है टैंपिंग रॉड दिख रही होगी आपको यहाँ पर, तो इसके अंदर इस टाइप से इसकी वैल्यू इन्होंने यहाँ पर इस पर जो है मेजरमेंट्स बने रहते हैं, तो इसके थ्रू जो है इजीली इसकी जो है वैल्यू पता की जा सकती है कि कितना स्लम जो है वैल्यू आई है। तो ऊपर की तरफ से इसमें शो हो जाता है कितना जो है यहाँ पर, जैसे कि 190 mm यहाँ पर जो है शो हो रहा होगा इसका, तो इतना जो है इसकी वैल्यू आई होगी पूरा स्लम की अपने। तो कॉन्क्रीट का जो है वर्केबिलिटी अपना सही है, 150 से 200 mm के बीच में रहना चाहिए पाइल कॉन्क्रीटिंग के लिए। तो जैसे कि ये यहाँ पर एक ट्रांजिट मिक्सर जा रहा था साइड पर, तो इस टाइप से जो है आपका इसमें पहले चेकिंग होती है कितना जो है स्लम होना चाहिए। तो स्लम कुछ स्लम टेस्ट इस प्रकार से होता है ताकि वर्केबिलिटी जो है अपन कॉन्क्रीट की चेक कर सकें कि कॉन्क्रीट वर्केबल है अपना या नहीं है साइट पे वर्क करने के लिए, इसको जो है कास्टिंग करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में अपन नया टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।